तो गाइस देख सकते हो फाइनली लग चुका है, यहाँ पे लिखा भी हुआ दीपांशु एम ब्लॉग और नीचे लिखा है यूट्यूब। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ ब्रो को सब्सक्राइब करो। अगर आप गाइस मेरे चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई दीपांशु एम ब्लॉगर। तो गाइस देख सकते हो अभय यहाँ आ चुका है, फेविक्विक से क्या लगवा रहा है, अपना गाड़ी में क्या लगा रहा है फेविक्विक वगैरह। तो आज जहाँ हम लोग जाएंगे उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आज अभय बताने वाला है हम लोग कहाँ जाएंगे। तो चलिए अभय से बात करते हैं। आज सबसे पहले जाना है आपका गाड़ी का रंगारंग कार्यक्रम में। रंगारंग कार्यक्रम क्या है भाई? मतलब आज उसका मेकओवर है मेरा गाड़ी का। यस, आज चलो आपका गाड़ी को एक अच्छी जगह ले जाके उसमें थोड़ा सा डिजाइन वगैरह क्रिएट किया जाएगा एकदम। उसके बाद पूरा जमशेदपुर आपका गाड़ी को पहचानेगा कि हाँ ये गाड़ी इसी यूट्यूबर का है जो हम लोग को हमेशा एंटरटेन करता है। क्या लगा रहा भाई? अरे ये देखो ना, ये टूट गया है यार, ये टूट गया है, इसको चिपका रहे हैं। ये फेविक्विक से चिपकेगा ऑब्वियसली। तो गाइस सुन सकते हो जैसे कि आज मेरा गाड़ी में रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, तो गाइस आज बहुत मजा आएगा क्योंकि मेरे गाड़ी में कुछ होने वाला है और क्या होने वाला है उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि मुझे लोग जाने पहचाने, मुझे और प्यार करें। जैसे आप लोग मुझसे प्यार करते हो वैसे ही दूसरे लोग भी और ज्यादा मुझे सपोर्ट करें, प्यार करें। और इस समय मुझे आप लोगों का सपोर्ट का, प्यार का बहुत ज्यादा जरूरत है, उसी लिए गाड़ी में आज कुछ रंगारंग कार्यक्रम करने वाला हूँ मैं। तो भाई तुम्हारा गाड़ी जो है पार्किंग कर दे और उसके बाद मेरा गाड़ी लेके हम लोग निकलते हैं रंगारंग कार्यक्रम के लिए। तो गाइस भाई अपना गाड़ी यहाँ पार्किंग कर दे रहा है क्योंकि दो गाड़ी लेके जाने का कोई मतलब नहीं है, और गाड़ी तो आज मेरा बनने वाला है रंगारंग कार्यक्रम के लिए। तो चलिए अब भाई को यहाँ से लेके जाते हैं क्योंकि और लेट नहीं करेंगे, आके खाना भी है, बहुत जोर भूख भी लगा है। When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. तो गाइस फाइनली मैं और अभय स्टिकर शॉप तक पहुंच गया हूं और देख लो यही स्टिकर शॉप है और भैया अभी तक फिलहाल यहां है नहीं। तो गाइस ये जो दुकान वाले भैया है फिलहाल कहीं नाश्ता वगैरह करने गए होंगे, तो हम लोग उनके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और इसके बाद क्या होगा वो तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो गाइस आज बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं अपने लिए कुछ करने वाला हूँ, वो भी अपने बाइक में। तो यही दुकान में मैं आया करता हूँ, बचपन से इधर ही आता हूँ क्योंकि यही एक शॉप है परसुडी में जहाँ मैं पहले से देखता हूँ कि बचपन से देखते आ रहा हूँ, यहीं पे स्टिकर बनता है। विनोद भाई का ये दुकान है और देखो गाइस मेरा स्टिकर यहाँ पे बन रहा है, वहाँ देख सकते हो गाइस अपना काम वहाँ शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो गाइस पहले का जो स्टिकर था वो भैया ने अभी हटा दिया है और अभी मेरा न्यू स्टिकर लगने वाला है इसमें। ये क्या केमिकल है भैया उठाने का? अच्छा तो लगेगा गाइस क्योंकि अपना चैनल का नाम जब अपने गाड़ी पे रहेगा तो मस्त लगने वाला है मेरा गाड़ी। तो भैया ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं देख सकते हो और मेरे ही जो ऑर्डर दिए हैं उसी पर काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो फाइनली गाइस मेरे गाड़ी पे लग चुका है यूट्यूब का स्टिकर, थोड़ा बहुत बाकी है वो भैया लगा दे रहे अभी। तो गाइस देख सकते हो फाइनली लग चुका है, यहाँ पे लिखा भी हुआ दीपांशु एम ब्लॉग और नीचे लिखा है यूट्यूब। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ ब्रो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं भाई, निकलेगा ना? School, dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. पहुंच गया हूं, मैं घर तक पहुंच गया हूं और फिलहाल अभी खाना खाने का टाइम है क्योंकि लंच टाइम हो गया गाइस। तो मम्मी क्या दे रही है अभी तक नहीं पता, तो देखते हैं क्या दे रही है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा आज मेरा लंच में क्या है। आज सैटरडे है, लंच में कुछ ना कुछ रहेगा, तो देखते हैं क्या रहता है। तो गाइस मेरा लंच आज यही है, देखो यहाँ पे है चिकन, ये
ये चिकन, ये है अंडा और ये है घी करेला, साथ में प्याज, प्याज तो मुझे लगता है, और मैं आज चावल खाने वाला हूँ। तो गाइस फिलहाल खाना वगैरह सब हो चुका है, पेट एकदम फुल हो चुका है, तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे कल किसी नए दिन और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, गुड नाइट।